हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खाना एंड फ्लेवर्स में। तो आज हम फिर से एक और नई रेसिपी बिस्किट की लेके आए हैं, वो भी गेहूं के आटे का। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाना भी आसान है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बैटर तैयार कर लेंगे। तो 2 चम्मच हमने दही ले लिया है और 4 चम्मच हम चीनी ले लेंगे। और इसको अब थोड़ा सा मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा इसको फेंटना नहीं है, हल्का सा मिला लेंगे इसको। तो आज हम ये बिस्किट की रेसिपी थोड़ा सा अलग ही तरीके से लेके आए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है। तो रेसिपी को आप लोग फुल वॉच करिएगा तभी समझ में आएगा। तो दही और चीनी का बैटर हमने रेडी कर लिया है, उसको साइड में रख दिया है। और अब चलिए छोटे कटोरी से 2 कटोरी हम गेहूं का आटा ले लेते हैं। ये बिस्किट बहुत ही हेल्दी है। तो हमने आटा ले लिया है, बीच में थोड़ा सा गैपिंग कर दिया है। अब हम 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। और 1 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देंगे। और 4 से 5 चम्मच हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी आप मोटा या महीन कोई सा भी ले लें। तो 4 चम्मच हमने इसमें सूजी डाल दिया है। और अब आइए मोयन लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम शुद्ध देसी घी लिए हैं, ये घी हमने घर में निकाला है। तो घी हम 2 से 3 चम्मच ले लेंगे। और अब आइए आटे को अच्छे से मल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। हाथों से रब करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 मिनट तक इसको इसी तरह रब करते हुए अच्छे से मल लेना है। इस तरीके से करने से हमारे आटे दानेदार हो जाते हैं और बिस्किट भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे से आटे में सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया है। ये देखिए, आटा बहुत ही अच्छे से मुट्ठी में बंध जा रहा है, यानी कि मोयन बहुत ही अच्छा बना है। और अब चलिए जो दही वाला बैटर है उसको हम फेंट लेते हैं एक बार और। हल्का हल्का चीनी का क्रिस्टल रहेगा, कोई बात नहीं। और अब चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके बैटर हम डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। हल्के हाथों से आटा गूंथना है। तो मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी है। और इसी तरह हम आटे को गूंथ लेंगे और ज़रूरत पड़े तो 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देंगे। पानी की जगह पे आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दही इसमें फेंटा है तो हम पानी ही प्रेफर करेंगे। तो हल्का सा हमने पानी का छींटा लगा के और अच्छे से आटे का डो तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाना है। तो देख सकते हैं आटे का कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, और ये दानेदार आटा बहुत ही बढ़िया इसका बिस्किट बनता है। तो ये देखिए, हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है, बहुत ज़्यादा मुलायम इसको नहीं गूंथना है, इसको हम रफली ही गूंथ लेंगे। और अब चलिए इसका हम बिस्किट तैयार कर लेते हैं। तो आटे को मलते हुए एक लंबा सा रोल बना लेंगे हम। इस तरीके से दोनों हाथों से मलते हुए हम लंबा सा एक रोल तैयार कर लेंगे। एक बार मेरे कहने से इस बिस्किट की रेसिपी को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया बनता है। और क्योंकि ये मैदे का नहीं है तो हेल्दी भी है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फ्लैट करते हुए एक रोल तैयार कर लेंगे। इस बिस्किट को बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से हमने एक फ्लैट रोल तैयार कर लिया है स्क्वायर शेप में। और अब चलिए इसको कट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम एक शार्प चाकू ले लेंगे और छोटा छोटा 1/2 इंच की कटिंग हम कर लेंगे बिस्किट की। तो देख सकते हैं कितना बनाना आसान है, बेलने का भी झंझट नहीं है।
तो सारे रोल में हमने कट लगा लिए हैं और ये भी साइड के पार्ट्स को निकाल दे रहे हैं। इसका भी हम बिस्किट तैयार कर देंगे और इस तरीके से एक शेप दे देंगे। तो है ना बनाना आसान और बहुत ही अच्छा जाली सा इसमें टेक्सचर आया है। इसी से हमारे बिस्किट बहुत ही खस्ता बनेंगे। इस तरीके से चाकू से कट लगा के बनाने से बिस्किट बहुत ही खस्ता बनते हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। तो बिस्किट हमने रेडी कर लिए हैं और अब चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो हम इस बिस्किट को सेलो फ्राई ही करेंगे, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने एक फ्राई पैन में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं तेल करना है और आँच को मीडियम रख के और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जितना कि एक बार में आ जाए बिस्किट उतना हम फ्राई पैन में डाल देते हैं। और इस तरीके से फ्राई पैन को हिलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चारों तरफ से तेल अच्छे से बढ़िया से बिस्किट के चारों तरफ तेल आ जाए। और हम लेफ्टी हैं तो मेरे दाहिने हाथ से कुछ भी नहीं हो पाता है, मतलब ये सब खाने वाली चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो अभी देखिए मैंने दाहिने हाथ से ट्राई किया लेकिन फिर बाएं हाथ में हमने कलछी ले लिया, तो डोंट माइंड। और चलिए इसको हम पलट लेते हैं और ये बिस्किट बहुत ही खस्ता कुरकुरा बन के रेडी होने वाला है और बहुत ही आसान है, बस 10 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल टोस्ट की तरह ये टेक्सचर दिख रहा है ना। और आराम आराम से इसको फ्राई करना है, तेज आंच पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ऊपर से भुन जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो 2 से 3 मिनट में हमने कम आंच पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और देख सकते हैं बिस्किट का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। तो एक बैच का हमने बिस्किट रेडी कर लिया है और इसी तरह सारे बिस्किट को फ्राई कर लेना है। तो है ना बनाना आसान फ्रेंड्स, इस बिस्किट को आप लोग भी जरूर ट्राई करिए एक बार, बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बना है। ये देखिए तोड़ के दिखा देते हैं कितने आसानी से टूट जा रहा है। तो आप लोग भी इस बिस्किट को जरूर ट्राई करिए और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।